श्री गणपति महाराज अगर उनका स्वरूप देखा जाए तो गणपति गणेश महाराज जिनका लंबोदर है, जिनका ऊर्ध जो है, जिनका पेट जो है वो लंबा है, लंबोदर इसलिए कहा जाता है, जिसका लंबा पेट है उसे लंबोदर कहा जाता है। और इतने मोटे तगड़े गणेश जी किसकी सवारी करते हैं? मूसक की। अगर मूसक को देखा जाए तो मूसक बहुत निर्बल होता है, नन्ही सी जान है, लेकिन गणेश जी चूहे के ऊपर ही क्यों बैठते हैं, उसकी सवारी क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश जी मूसक के ऊपर बैठ करके हमें जो शिक्षा देते हैं, बेटा जो व्यक्ति चूहे की तरह कुतर्क बुद्धि रखता है ना, चूहे का काम है कुतर्क बुद्धि रखना, हर चीज को कुतरता है, अगर हम भी कुतर्क बुद्धि रखें तो गणेश जी हमारे ऊपर बार डालते हैं। तो चूहे को अपने नीचे रखते हैं कि बेटा जिनकी बुद्धि कुतर्क होती है उनको मैं अपने नीचे रखता हूं। और दूसरा कारण कि व्यक्ति का अस्तित्व ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति का अस्तित्व ऐसा होना चाहिए कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी, छोटे से छोटा जीव भी व्यक्ति का भार उठा सके। गणेश जी का ऐसा अस्तित्व है जो रिद्धि सिद्धि के मालिक है, पति है रिद्धि सिद्धि के, शुभ लाभ के पिता है। जब भी हम कोई शुभ कर्म करते हैं, जैसे कि हमारी ब्राह्मण सभा प्रगति जिन्होंने ये कार्य करवाया और कार्य करने से पहले इन्होंने गणेश जी का पूजन किया और गणेश जी अपने पूरे परिजन के साथ उस स्थान पर आकर के उस स्थान की शोभा को बढ़ा देते हैं। रिद्धि को कहते हैं कि रिद्धि यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। सिद्धि से कहते हैं कि सारी और सिद्धियां ही सिद्धियां हो। शुभ से कहते हैं कि बेटा सब कुछ शुभ हो। और लाभ से कहते हैं कि इस कार्य को करने के बाद उस व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति। मात गुना की आंख के तारे शिव शंकर के राज दुलारे। मात गुना शंकर के राज दुलारे। मूसक पर चढ़ कर तुम करते अपने हाथों के काज हो सारे। मूसक पर चढ़ कर तुम करते अपने भगतों के काज हो सारे। सब गणपति देवा, गणपति देवा,
स्वामी तुलसीदास जी ने गणपति महाराज का निवेदन किया, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी गणपति जी के चरणों में हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, मांगते हैं बर। क्या बर मांगते हैं? मांगत तुलसी दास कर जोरे। प्रार्थना किसकी जी? गणेश जी की। और मांगा किसे? बसहू राम सिया मानस मोरे। प्रार्थना कर रहे हैं गणेश जी की, लेकिन मांग किसे रहे हैं? भगवान राम को, मां जानकी को, कि प्रभु जी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, भगवान राम की भक्ति नियंत्रण मेरे ऊपर चलती रहे। और जिस स्थान पर हम बैठे हैं द्वारिकाधीश महाराज का जो बड़ा दिव्य दरबार सजा हुआ है भगवान का, भगवान की बड़ी कृपा है इस स्थान के ऊपर। और हम भी जब आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ठाकुर जी मिल गए, साक्षात ठाकुर जी स्थान पर विराजमान है। और पिछले 3-4 दिनों से जहां पर हमारे ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ नारायण भगवान का आवाहन किया गया है, मां सप्तशती की आहुतियां डाली जा रही है, वहां भगवान के बगल में देवताओं का आवाहन किया गया है, सर्वतोभद्र भगवान गणपति जी, सौरसो मातृक देवियां, 64 योगिनियां, सभी देवताओं का आह्वान किया गया है। हमारे सत्य सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं। हम सबका निवेदन करते हैं, सबका वंदन करते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की जो गणपति जी की स्तुति हमें जो शिक्षा देती है कि पूजन सबका करो, हमें सबका पूजन करना चाहिए, हमें सभी का वंदन करना चाहिए, लेकिन इष्ट जीवन में केवल एक ही होना चाहिए। जो शिक्षा देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश जी की स्तुति गाते हुए कि हे गणपति गणेश महाराज मेरे ऊपर कृपा कीजिए, पूजन कर रहे हैं गणेश जी का, लेकिन मांग किसे रहे हैं? बस हूँ राम सिया मानस मोरे, बस हूँ राम सिया मानस मोरे। एक बार दोनों हाथ उठा करके आइए श्री गणपति महाराज के चरणों में निवेदन करें। गणपति देवा देवा, गणपति देवा देवा, गणपति देवा देवा।
बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं, नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।